चाणक्य कहते हैं ये पांच काम कीजिए आपको जिंदगी में दुख समस्या या आफत कभी नहीं आएगी। तो इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यह पांच बातें मत कीजिए। यदि आप पांच बातें नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कभी बुरा समय नहीं आएगा, कभी आफत नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा, कभी चिंता नहीं आएगी और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे। नंबर एक, कभी भी मूर्ख को मत सिखाओ। और भी मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? मूर्ख व्यक्ति नंबर एक, जो इच्छा नहीं है उसको सीखने की, वो सीखने के मूड में भी नहीं है, उसने आपको पूछा भी नहीं कि मुझे सिखाओ, उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं है, उसको सीखने की हंगर भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। कि वह उसको सीखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो व्यक्ति कि जो बोलता है मेरे को सब आता है मुझे मत सिखाओ, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मूर्ख कहा जाता है। क्यों? जो सीखने को तैयार ही नहीं है और उसको सिखाने में मतलब नहीं है। क्योंकि आप उसको सिखाएंगे तो वही आपकी मजाक उड़ाएगा, वही आपको बोलेगा मुझे सब मालूम है मुझे कुछ मत सिखाओ। तो जिसकी रिक्वेस्ट है कोचिंग के लिए, जो विनती करता है आपको, जो बोलता है कि न मैं आपका शिष्य हूँ, या जो बोलता है कि मुझे समस्या है आप कुछ बताओ, तो फिर आपने ये देखना चाहिए कि क्या ये समस्या पूछ रहा है सिर्फ समस्या के लिए, कि क्या सच मेरा कहना मानने वाला है, कि सिर्फ मेरा एक मत ले रहा है, ये भी आपने देखना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपना मत लेते हैं, आपका मत लेंगे और फिर अपने को जैसा लगेगा वैसा वो करेंगे। आपको मानना चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए कि भाई ये सिर्फ मत लेने के लिए बोल रहा है कि सिर्फ मानने वाला है, क्या करने वाला है। तो नंबर एक, कि मूर्ख को मत सिखाओ। नंबर दो जो है, हरदम विनम्र रहो। कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ में आपने विनम्र रहना है, किसी भी व्यक्ति के साथ में। हम क्या बोलते हैं कि नहीं ये क्या है फालतू आदमी है, अपने को कभी मिलने वाला नहीं है, अपने कुछ काम का नहीं है, तो कैसा भी बर्ताव किया तो भी चलता है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। कौन सा व्यक्ति कब आपके काम में आएगा आपको मालूम नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी काम में आ सकता है, और फिर इसलिए कभी भी हमने विनम्र रहना जरूरी है। आप विनम्र रहते हैं, हरदम नतमस्तक रहते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ बोलते हैं, हरदम जब बात करते हैं तो प्लीज़ कृपया आप ये काम करोगे क्या, मेरी ऐसी विनती है कि ये आप करोगे क्या, विनम्र रहना, किसको दुखाना नहीं, किसको दुखी नहीं करना है। अपने को किससे काम भी निकालना है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन उसको ऑर्डर दे रहे हैं, उसको ब्लेम नहीं करना है। तो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, और वो व्यक्ति जो है, आप विनम्र रहते तो व्यक्ति कभी भी आपसे अच्छे संबंध रखेंगे और आपको कभी भी काम में आ सकता है। तीसरा जो है वो है, हमेशा सीखते रहो। क्या है? हमेशा ज्ञान संपादन करते रहो। नॉलेज जो है वो एक संपत्ति ऐसा बोला जाता है। ज्ञान जो है, बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं, ज्ञान जो है वो शेरनी का दूध है, मतलब इतना महत्व का है, इतना पावरफुल है। तो हरदम आपने ज्ञान लेते रहना चाहिए, और जब ज्ञान लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और मैं बोलता हूँ सिर्फ ज्ञान लेना नहीं, सीखना है, और सीखने का मतलब ऐसा होता है कि ज्ञान लेना और अपनाना, उसको एक्शन में लाना, उसको कृति में लाना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज्ञान एक खजाना है मगर अभ्यास उसकी कुंजी है, और अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। क्योंकि सिर्फ नॉलेज आपको कुछ करेगा नहीं। एक व्यक्ति है कि जिसको नॉलेज है मगर वो प्रैक्टिस में लाता नहीं है, दूसरा व्यक्ति उसको नॉलेज ही नहीं है, तो दोनों सरी की है। तो सीखना हरदम चालू रखो, हरदम सीखते जाओ, नॉलेज लेते जाओ, और उसको प्रैक्टिकल में कैसा लाना है वो आप देखेंगे तो आप हरदम अपने लाइफ में बढ़ोतरी करते जाएंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमेशा ज्ञान संपादन करो। नंबर चार जो है वो है, दान धर्म करो। दान धर्म करो इसका मतलब ऐसा होता है कि ऊपर वाले को अपना पार्टनर बनाओ। अब ऊपर वाले को पार्टनर बनाओ मतलब क्या है? देखो, अलग अलग धर्म में अलग अलग लिखा हुआ है। कोई धर्म में बोला है कि 2.5% देना है दान, अपने नेट कमाई जो है उसका 2.5% देना है। कोई धर्म में 5% बोला है, कोई धर्म में 10% बोला है। अपने अपने हिसाब से आप तय कर सकते हो कितना देना, वो आपका हिसाब है, आपका चॉइस है। मगर आपको, आप जो कमाई करते हैं तो खर्चे वगैरह जाके जो अपने पास में बचता है तो उसका 1% आपने दान करना है। अभी आपकी छोटी कमाई रहेंगी ना तब वो देना अच्छा रहेगा, आपको देना अकड़ेगा नहीं।
क्योंकि यदि आप 100 रुपये कमाते हो उसमें से 5 रुपये आपने बोला 5% मेरे को देना है, तो 5 रुपये देना आपको अखड़ेगा नहीं। मगर आप 1 करोड़ कमाते हो तो 5 लाख देना आपको अखड़ जाएगा। तो इसलिए पहले से ही चालू करो, शुरुआत से ही चालू करो, 5% देना है तो 5% दे दो, और ऐसा दे दो कि भाई दाहिने हाथ से दिया तो बाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं उसका बहुत डंका पीटते हैं, कई पंखा भी दान देते हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति के स्मृति में दान किया है। स्मशान घाट में भी बेंच रहता है उसके ऊपर लिखते हैं कि फलाना व्यक्ति उसके स्मृति में ये बेंच दान किया है। मतलब ऐसा बड़े जाओ लोग पढ़ते हैं, बड़े जाओ करना कोई बुरा नहीं है, मगर ऐसा दान करो कि वो दान मालूम नहीं किसी को होना चाहिए और सत्पात्री होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो चौथा पॉइंट है दान करो। और पाँचवा है कि ऊपर वाले पर मतलब निसर्ग पर भरोसा करो। ऊपर वाला आपके धर्म में कोई भी हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, भगवान हो सकता है, जीसस हो सकता है, या और भी कोई भगवान बुद्ध हो सकते हैं, कोई कोई भी हो सकता है ऊपर वाला, कि जो यह प्लेनेट पे है एक एनर्जी है और एनर्जी के रूप में वो है। समझो आप भरोसा नहीं करते किसके ऊपर, तो आप ये समझ चलो कि भाई ये एक एनर्जी है, एनर्जी सब तरह है और एनर्जी आपको हरदम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो उसका सपोर्ट लो। आप उसके लिए उसका एनर्जी का सपोर्ट आने के लिए क्या करना चाहिए, एनर्जी का सपोर्ट मिलने के लिए क्या करना चाहिए, आपकी पहले इच्छा होनी चाहिए, आपका उसके लिए क्लियरिंग होना चाहिए। आप उसके लिए क्लियर कि नहीं मुझे मिलने वाला है, आप उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, उसका इमेजिनेशन करते हैं, उसकी तस्वीर बनाते हैं, कल्पना करते हैं, और आप शिद्दत से उसको चाहते हैं कि नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो डेफिनेटली आपका जो सराउंडिंग है, आपकी जो सिचुएशन है, यह जो प्लेनेट है, ये जो नेचर है, ये आपको सपोर्ट करेगा। और जब आप बोलते कि नहीं नहीं ये तो मेरे वजह से नहीं है, ये तो परमात्मा की वजह से हुआ है, या परमात्मा ने मुझे दिया हुआ है, या भगवान ने दिया हुआ है, या निसर्ग ने दिया हुआ है, तो आपकी विनम्रता भी वहाँ दिखाई देती है कि भाई आप उसके लिए लीन हो, विनम्र हो, और आपका ईगो भी वहाँ से निकल जाता है। नहीं तो क्या होता है कि नहीं सब मैंने किया, इसमें बहुत आपका ईगो दिखता है और ईगो बहुत बुरा होता है, क्योंकि ईगो हर्ट भी होता है, ईगो को बहुत जल्दी असफलता भी मिलती रहती है। तो हरदम वो ऊपर वाला, वो पावर, वो अननोन पावर, वो एनर्जी, बस उसके प्रति हरदम विनम्र रहो कि नहीं भी उसके वजह से सब हो रहा है, मैं तो क्या एक एजेंट हूँ, एक कैटलिस्ट हूँ कि मेरे माध्यम से वो ऊपर वाला सब कर रहा है। तो ऐसे इस तरह विनम्र रहेंगे, इस तरह आपका ईगो की छटनी करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलते जाएंगे और आपको टेंशन आएंगे नहीं। तो मैंने 5 बातें बताई, ये आचार्य चाणक्य जी ने बताई हुई है। 1, मूर्ख को मत सिखाओ। 2, हरदम विनम्र रहो। 3, हरदम सीखते जाओ। 4, दान धर्म करो। 5, ऊपर वाले पर भरोसा करो। तो ये 5 बातें आप यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में ना दुख आएगा, ना कोई आफत आएगी, ना कोई बुरी समस्या आएंगी, आप हरदम हंसते खेलते रहेंगे और आपको सफलता मिलती जाएगी, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।